राप्ती तट पर स्थित श्री राम घाट पर हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में आरती का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित आरती महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ महाराज के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के तहत आयोजित किया गया। आरती में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने बताया कि प्रत्येक रविवार को कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ राप्ती मैया की आरती की जाती है। आज का दिन विशेष महत्व का दिन है क्योंकि सामाजिक समरसता के ध्वजवाहक महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ हिंदू धर्म आस्था के बड़े महंत थे। इन्होंने हिंदुओं में समरसता लाने तथा भेदभाव मिटाकर नए युग की स्थापना करने का कार्य किया था, जिन्हें आज आरती के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी गोरखपुर महानगर के महामंत्री आशीष गुप्ता, जीके द्विवेदी, पंडित ईश्वर दत्त त्रिपाठी, पंडित शत्रुंजय शुक्ला, मनोज राय, जयचंद कुशवाहा, सुमित कुमार, दुर्गेश चरसिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, शिवा भोले भोले नाथ महादेवायार धांगीरा पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे कांधासन दरबार महादे, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोए, भोले दस भुज अति सोए तीनों रूप निरखे, अष्टमाला वनमाला कुंडमाला धारी, भोले कुंडमाला जय गंगे माता, भैया जय गंगे माता, जो नर तुम को जाता जो भक्तिनां सुरेश्वरी जदपूजितं मया देवी परिपूर्णं ददस्तु मे, पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा सर्वकष्टहरो भव, सर्वदुःखदारिद्र्यहरो प्रज्वल्य गङ्गा मैया की जय, गङ्गा मैया की। हम लोग प्रत्येक रविवार को श्री राम घाट राप्ती तट पे आरती करते हैं और जब से इस घाट की स्थापना हुई, ये मूर्त रूप में इस घाट को पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सौंदर्यीकरण के दिया, तब से मैं प्रत्येक रविवार को यहाँ पे आता हूँ। इसके पूर्व में भी यहाँ पे आरती होती रही है। अब आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसी सप्ताह ब्रह्मलीन द्वय महाराज जी, ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज, जो हिंदुत्व पुनर्जागरण के अभियान के नायक रहे हैं, सामाजिक समरसता के नायक रहे हैं, ऊंच नीच छुआछूत को छोड़ के एक बृहद हिंदू समाज के निर्माण का सपना देखते रहे हैं, तो उनको समर्पित आज के आरती हमारे ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि लेते हुए आज आरती।